आज जो लोग पढ़ रहे हैं इस वक्त चार्टर्ड अकाउंटेंसी को परसू कर रहे हैं, व्हाट्स द की, एक सिंपल सा कोई तरीका बता दें कि हाँ जी ये कर लेंगे। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, रियली बहुत सिंपल है। आपने सिर्फ ये डिसाइड करना है कि आपने करना है, ठीक है। मतलब मेरा ये बड़ा बड़ा मेरा मानना है कि जी नथिंग इज इम्पॉसिबल एंड इम्पॉसिबल माइट जस्ट टेक अ लिटिल लॉन्गर। सो नथिंग इज इम्पॉसिबल इफ यू बिलीव, राइट? सो यू हैव टू हैव दैट बिलीव। और एक आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर कि मैंने कहाँ पढ़ा था, बट आई कैन रियली रिलेट टू इट एंड समथिंग विच वुड बी माई एडवाइस टू एवरी वन के एक्चुअली लर्न टू लर्न, दैट्स वॉट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसके चार की एस्पेक्ट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नंबर वन, यू हैव टू एस्पायर टू लर्न, राइट? नंबर टू, यू हैव टू बी क्यूरियस। और थर्ड जो है वो आपकी सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए कि आप, अब सेल्फ अवेयरनेस जो है ना वो काफ़ी डिटेल्ड एस्पेक्ट है। मतलब यू, वन शुड बी अवेयर के पहले तो आपने डिसाइड कर लिया कि आपने एक चीज़ करनी है, राइट? लेकिन अब आपको वो करने के लिए कितनी मेहनत करनी होगी, यू शुड बी अवेयर। हर आदमी, आप दूसरे को देख के अपना फैसला नहीं करें कि वो तो 4 घंटे पढ़ता है तो मुझे भी 4 घंटे पढ़ाई करनी होगी, या वो 1 घंटा पढ़ लेता है तो मैं भी 1 घंटे में कर लूँगा। एवरी इंडिविजुअल इज़ डिफरेंट, यू शुड नो योर सेल्फ। और ऑफकोर्स लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि बी वल्नरेबल। सो यू शुड ऑलवेज बी, यू नो, विलिंग टू एंगेज, लर्न फ्रॉम अदर्स। अपने आप को आप जाने के, आप जिससे भी मिलते हैं आप कुछ ना कुछ सीख सकते हैं इवेंचुअली। मैं फ्रेंकली आपको ये बताऊँ कि मैं उस तरह का कभी भी स्टूडेंट नहीं रहा कि जो किताबें खोल के और लाइक मतलब मुझे एट टाइम्स जो है ना अपनी लोगों से ये झूठ बोलना पड़ता था जो मेरे इस तरह पढ़ाकू दोस्त थे कि वो हम टारगेट सेट करते थे कि जी आज हमने ये 2 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं 2 घंटे बाद। वो मुझे 2 घंटे बाद फ़ोन करता था कि हाँ जी कितना हो गया, तो मुझे एट टाइम्स जो है ना झूठ बोलना पड़ता था कि हाँ मैंने कर लिया, जबकि मैंने शायद एक चैप्टर भी पूरा शुरू नहीं किया होता था। तो मुझे थोड़ा सा ये है कि आई एम अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ पर्सन, कि मुझे मैं एक्सपीरियंसेस से, लोगों से, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से मैं ज़्यादा सीखता हूँ। तो दैट्स माई सेल्फ अवेयरनेस, राइट? अब किसी और लोग हैं जो किताबों से ज़्यादा सीखते हैं, आई यूज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। सो इसीलिए मैं, शायद इसीलिए वजह है कि जितने भी ऐसे एग्जाम्स थे कि जिनके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे, तो वो जब तक कि मुझे कॉन्सेप्ट 100% क्लियर नहीं हो गया, जब तक वो एग्ज़ाम मेरा थ्रू नहीं हुआ।